अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी रेंट कल गुम हो चुकी है और उसके बाद रात को मुझे टेंशन हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि स्नैचिंग भी हो सकती थी, ठीक है, और देर गई, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ है, लाइक जो कुछ ये हमारी सास है और सब कुछ ही, चाहे कुछ भी है हमारा, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, और जब चाहे वो ले सकता है तो सेट नहीं होना चाहिए। तो बस इसी सोच के साथ मैंने जो कुछ हुआ लास्ट टाइम इंसिडेंट, उसको मैंने टेक ऑफ किया अपने माइंड से और मैं सोई हूँ। और उसके बाद तो मैंने उस पर सोचना नहीं है, मैंने ब्लॉग बनाना था बस वैसे ही कि ठीक है जो होना था हो गया और अब मूव ऑन हो जाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अभी भी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो जो है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और जो नहीं है उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। उसमें भी अल्लाह की कोई कोई ना कोई मसलियत ही होती है। तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, डे स्टार्ट करते हैं। चाय बन गई है, मैंने किचन से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अब डेली व्लॉग का मतलब है डेली व्लॉग, पहले मैं नहीं डाल रही थी फॉर सम रीजंस या जो कुछ भी था चैनल का मसला जो भी चल रहा था। तो अब नया चैनल है, नई शुरुआत है, तो डेली व्लॉग चालू है इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। और चाय बन गया तो नाश्ता करके मूसा को कराते हैं और फिर देखते हैं। इतना बुरा हो गया है, मैंने बस आज वैसे ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया जिस हाल में थी सुबह की कैमरा था व्लॉग स्टार्ट। अब जो जो होता जाएगा मैं शूट करती जाऊँगी। खैर आईब्रोज नहीं बनी हुई थी ना, तो शक्ल इतनी अजीब सी लग रही थी, लेकिन खैर कल नहीं बन सकती, गुजर गया, मेकअप से चल गया था। इतना वैसे इतना फील भी नहीं हो रहा, जो ज़्यादा सोचते हैं उसको ज़्यादा फील होता है। नहीं बनी ठीक है, बनवा लेंगे जब टाइम मिलेगा, कुछ इतनी एमरजेंसी नहीं हो रही है। यस फ्रेंड्स, मुझे आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में और ज़रूर बताएगा कि किस किस ने रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर दी। ऑलमोस्ट ज़्यादातर औरतों ने, लड़कियों ने तो शुरू कर ही दी होगी कपड़ों के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रजब और शाबान में ही अपनी ईद की तैयारी, रमज़ान की तैयारी लाइक करके रख लें, कि रोज़ों में नहीं होती लाइक वर्किंग वूमन में। वैसे भी रोज़ों में बहुत लोग नहीं करते रमज़ानों की तैयारी, और पहले टेलर्स भी बहुत तंग करते हैं, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि रजब शाबान में करते, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि रजब में रमज़ानों के लिए रोज़े की तैयारी भी करने। लाइक इस तरह से मुझे आज से पहले बात बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन जब मुझे पता चली है तो मुझे मतलब ये हुआ है कि जब पता चल जाएगा तो इंसान को कर लेना चाहिए। तो मुझे पता चला था रजब की चांद रात को कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रजब जो है मेरा महीना, शाबान जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, और जो रमज़ान है वो हम मुसलमानों का महीना है। तो रमज़ान के रोज़े तो हम पे फर्ज और हम लोग रखते ही हैं, उसके बात अलग है, लेकिन अगर हम रजब के भी रोज़े रखते हैं, फ़र्ज़ नहीं है लेकिन जितने भी हम रख सकते हैं लाइक 1, 2, 3, 4 जितने भी रख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफजल है, बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब मुझे पता चला था इस बात का, तो मैंने रजब के रोज़े रखे हैं और इंशाल्लाह मैं कल दोबारा रोज़ा रखने जा रही हूँ रजब का। तो आप लोग भी रखें और रखना चाहिए, रख सकते हैं तो रखें ज़रूर। और रजब का, शाबान का जितने रोज़े रख सकते हैं, और सिर्फ रोज़े नहीं, हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। पहले तो ऑब्वियस सी बात है नमाज है, नमाज की पाबंदी कर लो, उसके बाद रोज़े आते हैं। तो यस, बस इतनी सी बात थी। कपड़ों की तैयारी के साथ साथ ना ईद की, रमज़ान और कपड़ों की तैयारी के साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपनी ना इबादतों की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर दें, कि हम फ्लो में आ जाएं, हम कुरान खोलना शुरू कर दें। लाइक हम अगर कुरान बंद रखें, हम नहीं पढ़ पाते जो कुछ भी, तो हम एटलीस्ट खोल के स्टार्ट करें अभी से पढ़ना, कि हम रमज़ानों में फिर हम कंटिन्यू कर पाएँ, पढ़ लें पूरे कुरान ख़त्म कर पाएँ। तो लाइक ज़रूरी है, अच्छा है हमारे लिए, बहुत अच्छा है कि हमें चाहिए, क्योंकि ये हमारी ये असल ज़िंदगी तो है, सबको ही पता है हम सब ने मरना, और मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो हमारी असल ज़िंदगी है। तो दुनिया के साथ साथ हमें आखिरत की ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। तो बस अभी से अपना कुरान भी ज़रूर, मैं यही कह रही कि इससे बारह ख़त्म करें, लेकिन जितना पढ़ सकते हैं कुरान भी, नमाज़ की पाबंदी और रोज़ा रख सकते हैं तो वो भी करें, बहुत अच्छे हैं। रजब में, रजब का जब अल्लाह ताला कह रहा है मेरा महीना, तो फिर उसका सवाब कितना होगा, तो ज़रूर करें। और कपड़े तो आप लोग मुझे पता है कर ही रहे होंगे, तो वो भी करें, देखें टेलर वरना देगा नहीं सीखे, तो अभी से कपड़े ला के श्रिंक करके टेलर को देना स्टार्ट करें, क्योंकि फिर टेलर नहीं सीख के देता टाइम पर। पता है क्या, ये जो छोटे मोटे लॉस होते हैं ना, लाइक कुछ गुम हो गया या स्नैचिंग हुई, तो उनको इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि देखें ये सब कुछ दिया हुआ अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला जब चाहे जिससे चाहे दे दे, जिससे चाहे ले ले, तो ये
इस पर सोच के ना अपने ऊपर हावी नहीं करें। अपने ऊपर हावी करेंगे तबीयत खराब होगी, टेंशन में आएंगे और इसका कुछ फ़ायदा नहीं। अपनी सी जिंदगी है, खुश रहें और सोचना छोड़ दें। मिलनी होगी मिल जाएगी, नहीं मिल जाओगे नहीं मिलेगा। और जिसके नसीब में जितना है ना, उसको ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा, बस ये सोच लें। उसके बाद आपसे कुछ अगर कुछ गुम हो जाता है, कुछ मैच हो जाता है ना, छोड़ दें। बस ये सोच लें कि अल्लाह का दिया हुआ था और अल्लाह ने ले लिया। बस इतनी सी सोच जब आप रख लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। ना ये सोचेंगे हमारे पास ये नहीं है तो वो नहीं है, सबका कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आप लोग उसके टेंशन में रहेंगे, कुछ भी नहीं हासिल होगा। और जो है ना, उस पर शुक्र अदा करें, अल्लाह और देगा। मेरा तो यही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, जो कुछ भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब से मेरी ये सोच हुई है ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, कौन सा फ़ोन है, क्या अपग्रेड करना है क्या अपग्रेड नहीं करना, अल्लाह ताला बहुत देता है। आप खर्च करना शुरू कर दें दूसरों पे, लोगों पे खर्च करना शुरू कर दें, आप सोचना छोड़ दें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुझे पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह पर छोड़ेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। खिलाने का वादा अल्लाह ने किया है, तो उस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बस जो अल्लाह ताला कह रहा है, अपनी ज़िंदगी वैसे गुजार के देखें, सुकून आ जाएगा आपकी लाइफ में। जी रात हो रही है, हम कल सोएंगे, हम आज नहीं सोएंगे, बाद में सोएंगे। तो अभी ये क्या हो रहा है, शॉप करना है तो शॉप करें ना, आप हीटर में क्यों घुस रहे हैं? मूसा ही करंट में नहीं घुसो प्लीज, मूसा नो। बस सुकून मिल गया, सर्दी तो मैं लग नहीं रही है, मुझे पता है खामा खान खोला है ना। ये पेंसिल की शॉप हो रही है, दिल चाह रहा था तो तुम शॉप करोगे और हीटर को बंद करो फौरन से। सर्दी लग रही थी तो, सर्दी तो इतनी सर्दी तो हो गई मेरी आज, बाहर हो रही ना, हम तो घर में। चलो भाई शॉप क्यों करो, शॉप है पेंसिल ऑलरेडी, शार्प है पेंसिल ऑलरेडी, क्यों कर रहे हो, कलरिंग करो, चलो लेट्स स्टार्ट। बच्चों को पेंसिल शार्प करने का दिल चाहता है या सिर्फ इसी के मसले हैं? कलरिंग इतनी कम होती है, पेंसिल शार्प होती रहती है बस हर वक्त। थोड़ा सा हीटर दे दो प्लीज, मुझे सर्दी लग रही है मूसा, मूसा सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, थोड़ा सा हीटर दे दो प्लीज मूसा, मुझे दे दो, मुझे मेरी साइड, मेरी सर्दी, थैंक यू। अभी मुझे अभी आप क्या कह रहे थे कि आप सर्दी में नहीं हो रही? हाँ। फिर मैं किस में हो रही थी? मैं गर्म हो रही थी, मुझे सर्दी नहीं लगती थी। वाह थैंक यू। कह रहे हो शेयरिंग कर रहे हैं मेरे साथ? अच्छा वो कुछ खा लो, कुछ तो खाना। अच्छा आप कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे आप? जिस बच्चे से सालन नहीं खाया जाता उसको ये चाहिए खाना, ये ले खा के दिखाना मुझे, लो खा के दिखाओ। खाओ खा के दिखाओ, आ करो। अब अगर तुमने सालन नहीं खाए ना तो मैं बताती हूँ, तुमने अगर बोलो मिर्चियाँ हैं सालन में, फिर बताऊंगी मैं आपको, देख रहे हैं इसकी बातें, मच्छर लग रही है ये, बदतमीज़ है, तुम खाना क्यों नहीं खाती फिर? आप मुझे बताएंगे, अब आपको तुम्हें देख सकते हो, आप खाना खा लो जब आए गए तो, खाना खाओ आके। मैं रख रही थी, मैं रख रही थी, खुद ही पता नहीं क्यों तो चल में आके घुस गए। मूसा को देखें कहाँ बैठे, फोन पकड़ के, हाँ मूसा को देखें वो कहाँ बैठ के खाना खाएगा, इसकी हरकतें। मैं व्लॉग नहीं बनाती, लेकिन मुझे अभी जो जो बात पता चली है तो उसके बाद से मैंने अपने आप पे कंट्रोल लिया, मैंने फ़ौरन कैमरा उठा लिया। लेकिन अब वो स्क्रिप्टेड हो जाता, अगर मैं दोबारा से कराती, लाइक जवाब ने मुझे जैसे ला के बताया और मुझे कुछ मिला
तो अगर मैं वो सब कुछ रिकॉर्ड, मुझे पता नहीं था, मुझे सरप्राइज था, और अगर मैं दोबारा करूँगा तो स्क्रिप्टेड हो जाएगा। तो वो बात कुछ ये है कि आप बताएंगे क्या था, क्या खैर आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ था सुबह, शुरू से स्टोरी सुनाएंगे प्लीज। आईज क्लोज ले, अपने सरप्राइज छोड़ो, मैं बात कर रही हूँ। मूसा व्लॉग, मूसा मैं व्लॉग कर रही हूँ, बताती हूँ देख। अब जब तक मेरी बात कंप्लीट ना हो जाए ना, मेरे व्लॉग से जाएगा नहीं, चाहे मूसा चाहे कोई भी है, प्लीज अब शुरू से बता दें क्या हुआ था सुबह। हमें पता ऑफिस गए थे, आगे जल्दी जल्दी बताएं। मैंने राजा फोन किया, वहाँ से रेफरेंस उठाया और फिर उसको मैंने अपनी स्टोरी बताई कि भाई ये चीज़ था, हमारी रेफरेंस थी, ये था, मैं आराम से काम कर रहे थे तो हमारी चीज़ वहाँ पे ड्रॉप हो गई थी। तो चीज़ मैंने बताई कि भाई ये क्या है, रिंग है और क्या है, तो सही से बताया ना, गोल्ड की रिंग थी। तो खैर उसने कहा मैं देखती हूँ बताती हूँ, अभी क्लीनिंग साफ क्लीनिंग का टाइम होगा। फिर थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आई कि आपकी मिल गई है, हमारा हमारे पास है, आप आगे ठीक कर सकते हैं। और आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये बात, मतलब आपने मुझे अभी आके दिया, मुझे सुबह से दोपहर से तक क्यों नहीं बताया कि मिल गई है। तो खैर यस, ये वो रिंग थी, पता नहीं मैंने क्यों पहनी। ये जो रिंग है ना, ये सेट है, मतलब इसके ऊपर एक और रिंग है, ये ड्यूअल रिंग की एक पार्ट है, मतलब ये रिंग ना किसी और में फिक्स होती है। तो मैंने पता नहीं क्यों दूसरी नहीं पहनी, और सिर्फ ये पहन ली और ये मेरे हाथ से गिर गई, पता नहीं कैसे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे मिल चुकी है, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, और मैं खुश भी बहुत हुई हूँ, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिलेगी। और गैस तो बस यही सीन था गाइस, अब इस व्लॉग को मैं एंड करने लगी हूँ यहीं पे, बहुत ज़्यादा लंबा ही ना हो जाए। तो देखें कि अल्लाह पे फेथ होना चाहिए, उसके बाद ना आप अगर इतना ज़्यादा यकीन रखेंगे ना अल्लाह पे, और किसी पे भी सिवाय अल्लाह के किसी पे यकीन नहीं है, सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखेंगे ना, तो आपकी हर मुश्किल आसान होगी, और हर काम आपके इतने आसान हो जाएगा, वो खुद भी आसान होगा। मतलब एक गुम हुई हुई चीज़, और जो घर पे भी गुम ना हुई हो, कहीं बाहर गुम हुई हो, उसका आप कैसे सोच सकते हैं, वो मिल जाएगी। लेकिन नसीब में थी, मिल गई, वही वाली बात है, जिसके नसीब में जो होता है उसको कोई छीन नहीं सकता, चाहे कोई हो। तो बस इसी नोट पर स्वक को एंड करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर, लव यू, सब लव।